Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Tuesday and the time duration is around 5 PM in the evening, and today we are going to talk about the polling process, what is happening in this VFS appointment thing. If I talk about yesterday, kya hua to uske bare mein aapko information provide karta hoon. And before starting the session, I'll do one thing. I'll log in right now in front of you. So if I talk about yesterday, slots aapke network visa ke andar open nahi hue aur इसके अलावा किसी ने कमेंट करा था शाम के टाइम पे, दे मेंशन दैट स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ. तो उसी टाइम पे मैंने भी लॉग इन करके देखा, बट थिंग इज स्लॉट्स आपके ओपन थे साउथ ज्यूरिडिक्शन के लिए, बट दैट वाज इन नेशनल अदर और नेशनल डिपेंडेंट के अंदर स्लॉट्स आपके ओपन थे. और अगर मैं नेशनल वर्क वीज़ा के बारे में बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट नेशनल स्टूडेंट वीज़ा, कल के दिन के अंदर स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं हुए. एंड इफ आई टॉक अबाउट टुडे, आज मेरे पर टाइम नहीं है और मैं चेक नहीं कर पाया. अगर आप लोगों ने लॉग इन किया तो आप एक बार आप बता दो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो भी सारे इतने लोग वीडियोस देख रहे हैं, इतने लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल में अपनी साइट ऑपरेट करते हैं, अगर स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं तो उनके उन सब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रहती है इसके बारे में. और अगर आज ओपन हुए तो आप लोग भी कमेंट करते रहें. और डेली बेसिस पे इट्स नॉट ओनली माय रिस्पांसिबिलिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस. अगर आप भी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और ऐसा होगा कि अभी इतने लोग इसमें कनेक्टेड हैं तो सब लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में अपना वेबसाइट चेक करते हैं, उससे जो भी मैनुअल अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. और इफ आई टॉक अबाउट यस्टरडे, कल मैंने दिन भर ओपन करा इसको, तो उस टाइम पे तो खैर स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं थे, बट ड्यूरिंग 7 PM आई गेस किसी ने कमेंट करा तो उस टाइम पे फिर मैंने लॉगिन करके चेक करा, बट जो वर्क वीज़ा के अंदर ओपन नहीं थे. अगर आप नेशनल स्टूडेंट वीज़ा, नेशनल डिपेंडेंट और नेशनल अदर में आप चेक करें तो आप बुक कर सकते हैं. अदरवाइज उस टाइम पे ये बेनिफिट हुआ कि उस टाइम पे मैंने लॉगिन करा, बट जो प्रीफर्ड कैटेगराइजेशन थे वो ओपन नहीं थे. अगर आप भी ऐसे स्लॉट्स वगैरह कभी चेक करते हैं तो आप कैसा होता है, अगर ओपन है तो आप बता दो, इससे ऐसा होगा बहुत सारे लोग हैं, हर जना नेशनल स्टडी और नेशनल स्टूडेंट के अंदर ही चेक नहीं कर रहा, पीपल आर लुकिंग फॉर द वीज़ा इन अदर कैटेगराइजेशन एज वेल. अगर आप उस टाइम पे चेक करते हैं स्लॉट्स वगैरह ओपन होते तो आप अपडेट कर दो, अगर नहीं भी होते देन डू वन थिंग, अपडेट द इन्फॉर्मेशन. इससे ऐसा होगा कि जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं तो उनको एक रफ आइडिया मिल जाएगा पूरे दिन के अंदर प्रोसेस क्या हुआ, स्लॉट्स मैनुअल ओपन हुए नहीं हुए. अगर मैं अपनी बात करूँ तो 24/7 मैं भी चेक नहीं कर सकता हूँ, और जितना मेरे पर टाइम लगता है मैं चेक करता हूँ और वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहता हूँ. अगर आज की बात करूँ तो आई एम नॉट वेल, तो फिर आज मैं चेक नहीं कर पाया, अभी मैं थोड़ा मेरे को टाइम मिला तो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ सेशन, और जिसमें मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ क्या सिनेरियो है. और इसके अलावा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि इसमें इतने लोग सारे कनेक्टेड है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप कह सकते हैं जिसमें डेली अपडेट क्या होता है. अगर मैं कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो इतने सारे लोग इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उनके पास कुछ अपडेट रहता है तो दे कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन विद अस, तो फिर जो भी प्रोसेस में इन्फॉर्मेशन करंट अपडेट चल रहा इतने सारे लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का टेक अलग रहता है इसमें. अगर आप लॉग इन सब जने एक टाइम पर लॉग इन नहीं कर पाते, और अगर कोई लॉग इन करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. एज फार एज आई नो, कॉमेंट सेक्शन वगैरह मैंने जितना चेक करा आज, उससे मेरे को लगता है कि आज स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं हुए वर्क वीज़ा और नेशनल स्टूडेंट के अंदर. सो इफ आई टॉक अबाउट द पीक टाइम, कल से देखो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, कल 10 तारीख होगी, 10 11 12 तीन दिन के अंदर अगर आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, और स्टाफ फुली ऑपरेशनल है, तो चांसेस हैं कल परसों या फ्राइडे को आपके स्लॉट्स वगैरह ओपन हो जाएं. तो एक बार लॉग इन करके भी चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस गोइंग ऑन राइट नाउ, किस कैटेगराइजेशन के अंदर स्लॉट्स ओपन है और किसके अंदर स्लॉट्स ओपन नहीं है. और एक खाली चैनल नहीं है, अगर आपको चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करूँ, सो इट्स काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर एवरी सिंगल पर्सन, जो भी पोलैंड जाना चाहते हैं तो उनको जो भी प्रोसेस के अंदर अपडेट चल रहा है उसके बारे में पता चलते रहता है. क्योंकि अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ वो एक यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस के अंदर क्या चल रहा है और क्या सिनेरियो है, और जो वीज़ा इशू होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. अगर किसी को अपॉइंटमेंट मिलता है तो लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं, और इसके अलावा अगर किसी के साथ कुछ स्कैम होता है या फिर इसके अलावा प्रोसेस के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे. और अगर कुछ अपडेट VFS की टीम से आता है, एम्बेसी से आता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी सिंगल पर्सन इज वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस, तो हर इंडिविजुअल का आउटकम डिफरेंट रहता है, और एज यू ऑल नो आउटकम इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपीरियंस. हर लोगों का जो सबमिशन करते हैं क्या प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको भी मिलती रहती है, आपको भी मिलती रहती है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है रिसर्च के बेसिस में हमको सब पता चलता है क्या प्रोसेस में हो रहा. और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट कनेक्टेड हैं वाया ईमेल, और तो फिर उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किसका वीज़ा लगा, कितने रिजेक्शन रेशियो है, और अभी का जो मेन प्रोसेस है उसमें पॉइंट नंबर किस में रिजेक्शन आ रहा, तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है. और अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप यहाँ पे शेयर करते रहें. सो दैट इज़ आई कैन से आई क्रिएटेड अ चैनल दैट इज़ ओपन फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल,
who are connected with this channel or who are not connected with this channel, I can say, जो लॉग इन करते हैं इसमें दो एक बार वीडियोज़ वगैरह चेक करें ताकि उनको एक रफ आइडिया मिलता है, तो वो भी अपना आउटकम शेयर करते हैं क्या प्रोसेस में वो कर रहा है और क्या प्रोसेस में अपडेट चल रहा है। इससे ऐसा होगा कि और सारे इंडिविजुअल हैं उनको भी एक रफ आइडिया मिलता रहेगा और सारी अपडेट मैं ही, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं ही प्रोवाइड करूँगा, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पे पता रहती है उतनी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा जो प्रोसेस के बारे में अगर आपको बताऊँ अपॉइंटमेंट की अपडेट होती है वो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, जो जब लॉग इन करता है वो अपडेट प्रोवाइड करते रहेगा और वैसे ही मैं भी करते रहता हूँ। प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरी होगी देन आई कैन डू वन थिंग, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अभी अभी लॉगिन करके आपको मैं बताता हूँ क्या सिनेरियो इसमें सब वर्क चल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट टुडे आई डू नॉट हैव मच टाइम और कल के दिन में ऐसा करते हैं एक Q&A सेशन बनाएंगे लाइव सेशन में और प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट है अपना कुछ भी अपडेट आया होगा तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, या तो लाइव सेशन बनाएंगे या फिर इसके अलावा एक Q&A सेशन मैं क्रिएट कर दूंगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। और इसके अलावा किसी ने प्रोसेस के रिगार्डिंग अपडेट पूछा था कि अगर अपॉइंटमेंट वो एजेंट से बुक कराते हैं तो कैसे पता चलेगा, आप उससे ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह लो उसके बाद लॉगिन करो एंड देन एक्टिव एप्लीकेशन है, एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर अगर आपका डेटा शो हो रहा है तो दैट मीन्स आपका अपॉइंटमेंट बुक है और आप वहाँ से रेफरेंस आईडी लेके वैलिडेट कर सकते हैं एंड देन द थिंग इज। और ये पूरा इंटायरली एजेंट पर डिपेंड करता है, अगर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहा तो एक्सेस उसके पास ही रहता है और एजेंट के हाथ में सारी पावर रहती है, जिसका ईमेल आईडी पासवर्ड और जो लॉगिन कर सकता है जिसके हाथ में एक्सेस है वो आपका कभी भी कैंसिल भी कर सकता है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु हैज़ द ऑथोराइजेशन टू दैट पर्टिकुलर ईमेल। और कैंसिल करोगे तो OTP आएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका और एजेंट भी कर सकता है आपका कैंसिल। तो अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करते तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग योर ईमेल आईडी उस केस में आप एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं आपका क्या सिनेरियो है, क्या स्टेटस है। आई थिंक आई आंसर द क्वेरी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था और इसके अलावा आपको भी अपॉइंटमेंट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। सो आई पुट डाउन एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन राइट है और इसके बाद लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ क्या सिनेरियो अभी चल रहा है। और इसके अलावा अगर नेशनल वीज़ा कैटेगरी के अंदर देखें तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखते हैं स्लॉट्स आपके ओपन नहीं है, नेशनल डिपेंडेंट के अंदर 5 कैटेगरी में आपके ओपन है, नॉर्थ एज वेल एज नॉर्थ तो क्या ही बोलूँ आप साउथ के सारे ज्यूरिडिक्शन है जिसमें आपके नेशनल डिपेंडेंट के अंदर सारे स्लॉट्स ओपन है। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेशनल अदर्स इसके अंदर भी 5 स्लॉट्स आपके शो कर रहा है एंड देन ये भी आपका साउथ ज्यूरिडिक्शन है, साउथ के सारे नेशनल अदर्स के अंदर स्लॉट्स ओपन है। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट नेशनल स्टडी में 4 आपके सेंटर शो कर रहा दैट इज ऑफ नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन, आई कैन से चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, 4 लोकेशन इसमें शो कर रहा है अभी। और साउथ का आप चेक करते हैं तो कल परसों में आप चेक करें, अदरवाइज रेगुलर इंटरवल में आप चेक करते रहें। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट वगैरह इसमें चेक करता है डेटा अगर स्लॉट्स ओपन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, उससे ऐसा फायदा रहेगा कि दोज हु आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट दे विल गेट अपडेट रिगार्डिंग द प्रोसेस कि स्लॉट्स का कैसे सिनेरियो है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, अभी तो अगर स्लॉट्स ओपन नहीं है डिफरेंट इंटरवल में आप चेक करते रहो और मैं भी चेक करता रहूँगा, अगर कुछ अपडेट आया देन आई विल कीप यू पोस्टेड। और इसके अलावा नथिंग इज बीइंग अपडेटेड राइट हियर इन द न्यूज़ सेक्शन, तो इन लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में देखें तो कल किसी ने मेरे को पूछा था कि जो अपना इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम है उसका लिंक शेयर करने के लिए कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। एम्बेसी ने नोटिफिकेशन में बता दिया कि जो उनका वीएफएस वाला सिस्टम है दैट इज़ नॉट वैलिड एनीमोर और आपको जो अपॉइंटमेंट बुक करना है वीएफएस के थ्रू करना है, तो आई थिंक आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उसमें। और मेरे को लगता है आने वाले उसमें ईमेल नहीं भी आ सकता क्योंकि अभी एम्बेसी फुली ऑपरेशनल होगी और आई थिंक अब अगले वाले जो भी टाइम आएगा कमिंग अपडेट्स वगैरह रहेंगे तो उसमें इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल वगैरह नहीं आएंगे, जितना अगर एम्बेसी अपना ऑपरेट करती है जितना उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है दैट मीन्स दैट यूजुअली मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू अहेड विद दिस प्रोसेस। और थोड़ा वेट करो, अभी आने वाले टाइम पर ही पूरा हट जाएगा मेरे को लगता है, ईमेल आना भी आपको बंद हो जाएगा और अपना आप चेक करो वीएफएस के अंदर ही। इसके अलावा अगर कल एक Q&A सेशन करते हैं उसमें प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करते हैं और प्रोसेस में क्या अपडेट चल रहा है, क्या सिनेरियो है। जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं एक वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आज अभी मेरे को टाइम मिल गया 10 मिनट का, तो सो आई मेड अ वीडियो फॉर यू गाइस, अदरवाइज अभी मेरा प्लान नहीं था बनाने का वीडियो। देखते हैं अब इसके बाद क्या सिनेरियो रहता है और क्या इंप्लीकेशन आते हैं प्रोसेस के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई शेयर द आउटकम विद यू गाइस। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है यू कैन ऑल्सो शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉमेंट सेक्शन, जैसे मैं प्रोसेस अपना
यहाँ से फॉलो करता हूँ, यू गाइज आर ऑल्सो फॉलोइंग द प्रोसेस। प्रोसेस के रिगार्डिंग तो खैर आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट पार्ट। मैनुअली आप भी साइट चेक करें अगर कुछ अपडेट आएगा, सो पोस्ट इट ऑन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।